नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। भाजपा सांसद सुशील मोदी ने कहा कि कम समय में 92 करोड़ टीका लगाकर भारत ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। वहीं कोरोना के संभावित तीसरी लहर को लेकर भी तैयारियां पूरी है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि कोरोना से जान गंवाने वालों के आश्रितों को 4 लाख रुपए की सहायता देने वाला बिहार पहला राज्य है। पश्चिम बंगाल की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। भाजपा ने इन 4 सीटों पर चुनाव प्रचार के लिए अपने 20 नेताओं को मैदान में उतारा है। इनमें पार्टी के 20 नेताओं का नाम शामिल है, जिसमें सुकांता मजुमदार, दिलीप घोष, सुवेंदु अधिकारी, स्मृति ईरानी, हिमांता बिस्वा शर्मा, गिरिराज सिंह और लॉकेट चैटर्जी का नाम शामिल है। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि क्षेत्र में एनडीए को किस तरह से समर्थन मिल रहा है, इस पर पूरा विश्वास है कि जीत हमारी ही होगी। हमने जितना काम किया है उतना काम देश के किसी राज्य में नहीं हुआ है। बिहार में जिस तरह का काम हुआ है उस तरह के काम को देश के कई राज्यों ने भी करने का काम नहीं किया है। जाने माने निवेशक राकेश झुनझुनवाला ने कहा कि कौशल और लोकतंत्र सतत वृद्धि के लिए मुख्य तत्व है। उन्होंने कहा है कि वो भारतीय बाजार को लेकर काफी आशान्वित है। झुनझुनवाला ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2021 में कहा कि यदि आप इतिहास की पड़ताल करें तो पाएंगे कि लोकतंत्र लोगों को सोचने और कार्य करने के लिए मजबूर करता है। एक बार फिर औषधि विभाग की टीम ने सूचना के आलोक में बड़ी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि पटना के सबसे बड़े दवा मंडी गोविंद मित्रा रोड स्थित महिमा पैलेस के श्री कृष्णा इंटरप्राइजेज में ड्रग विभाग ने कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि दवाओं के रखरखाव और बिना बिल के दवाओं को बेचने की सूचना पर कार्रवाई की गई है। बीते दिन मुंबई और हैदराबाद के बीच मैच का आयोजन हुआ था। मैच के बाद रोहित शर्मा ने अपना बयान जारी किया है और कहा है कि वो इस जीत से खुश हैं। रोहित शर्मा ने कहा कि जब आप मुंबई जैसी फ्रेंचाइजी के लिए खेलते हैं तो आपसे हमेशा बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद की जाती है। मैं इसे दबाव नहीं कहूंगा, ये उम्मीद है। लखीमपुर हिंसा प्रकरण में संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि वो दशहरे के दिन यानी कि 15 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का पुतला दहन करेंगे। साथ ही एसकेएम नेता योगेंद्र यादव ने आगामी 18 अक्टूबर को रेल रोको का आह्वान किया है। एसकेएम की मांग है कि लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य दोषी आशीष मिश्रा और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की गिरफ्तारी हो। घने कोहरे को लेकर रेलवे की चिंता अभी से बढ़ी हुई है। रेलवे ने मुजफ्फरपुर के रास्ते लालगढ़ और डिब्रूगढ़ के बीच चलने वाली अवध असम एक्सप्रेस समेत 26 ट्रेनों को दिसंबर, जनवरी और फरवरी महीने के लिए रद्द कर दिया है। वहीं 8 ट्रेनों की फेरों में कमी की गई है। सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम हफ्ते भर में दूसरी बार डाउन हो गया। सर्विस डाउन होने की वजह से यूजर को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यही देर रात 12 बजे के बाद कुछ देर के लिए ये प्रभावित रहा था। इस दौरान यूजर इंस्टाग्राम के जरिए मैसेज तो भेज पा रहे थे, लेकिन उनकी फीड अपडेट नहीं हो रही थी। पीटीआई की खबर के मुताबिक ओडिशा तट से टकराने वाले अधिकांश बड़े चक्रवात अक्टूबर के महीने में ही आए हैं। देश में अब तक का सबसे शक्तिशाली सुपर साइक्लोन पारादीप में 29 अक्टूबर 1999 को टकराया था। इस सुपर साइक्लोन के कारण लगभग 10,000 लोगों की जान चली गई थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बीती रात एक ड्रग पेडलर को हिरासत में लिया है। आरोप है कि यह ड्रग पेडलर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट के संपर्क में था। देर रात हुई छापेमारी में एनसीबी ने सेंटा क्रूज इलाके में इस ड्रग पेडलर को हिरासत में लिया है। इसके अलावा एनसीबी ने शनिवार सुबह फिल्म प्रोड्यूसर इम्तियाज खत्री के बांद्रा स्थित घर और ऑफिस में भी छापेमारी की है। किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए केंद्र सरकार सब्सिडी मुहैया कराती है। इसके तहत किसान किसी भी कंपनी का ट्रैक्टर आधे दाम पर खरीद सकते हैं। बाकी का आधा पैसा सरकार सब्सिडी के तौर पर देती है। इसके अलावा कई राज्य सरकारें भी किसानों को अपने अपने स्तर पर ट्रैक्टरों पर 20-50% तक सब्सिडी मुहैया कराती है। सीडीएस बनने के बाद अपने पहले विदेश दौरे में रावत सितंबर में शंघाई सहयोग संगठन के शांति मिशन अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए रूस गए थे। अपने 2 दिन के दौरे पर उन्होंने ऑरनबर्ग के एससीओ सदस्य देश के जनरल स्टाफ प्रमुख के सम्मेलन में भी हिस्सा लिया था, जहां पाकिस्तान और चीन से आए अपने समकक्षी भी मौजूद थे। देश के कई राज्यों में विद्युत उत्पादक संयंत्रों में कोयले की कमी के चलते बिजली का संकट बढ़ता जा रहा है। झारखंड में आपूर्ति में कमी के कारण 285 मेगावाट से लेकर 430 मेगावाट तक की लोड शेडिंग करनी पड़ी थी। इसके चलते दिन में गांव में 8 से 10 घंटे तक की बिजली कटौती हुई। वहीं बिहार में 5 गुना अधिक कीमत पर भी विद्युत कंपनियां पूरी बिजली नहीं दे पा रही है।
नवजोत सिंह सिद्धू ने लखीमपुर खीरी मामले में मोहाली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन की अगुवाई की। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान सिद्धू परेशान भी नजर आए क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के आने का इंतजार करना पड़ा था, जिससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें सिद्धू कहते हैं कांग्रेस खत्म होने की कगार पर है। यदि आप भी अपने भारी भरकम मासिक बिजली से परेशान हैं तो इससे मुक्ति चाहते हैं तो तत्काल सरकारी योजनाओं का फायदा उठाकर घर की छत पर सोलर पैनल लगवाएं। देश में राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार भी सोलर पैनल लगाने पर सब्सिडी दे रही है और आप अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाकर खुद अपनी जरूरत की पूर्ति कर सकते हैं। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने राष्ट्रपति भवन में औपचारिक उनका स्वागत किया गया। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को उनकी आगवानी की। फ्रेडरिक्सन ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात की। मेटे फ्रेडरिक्सन अपने 3 दिवसीय भारत दौरे के लिए शनिवार तड़के दिल्ली पहुंची थी। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक 16 अक्टूबर को होगी। बैठक में वर्तमान राजनीतिक स्थिति, आगामी विधानसभा चुनाव और संगठनात्मक चुनाव पर चर्चा की जाएगी। बता दें कि G23 के असंतुष्ट समूह के नेता सहित कई नेताओं द्वारा पार्टी के भीतर चल रही अशांति पर आंतरिक विचार विमर्श करने के लिए इस बैठक की पेशकश की गई थी। कश्मीर पर भारत के खिलाफ बयान देने वाले तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन के दिन अब लद गए हैं। उनकी पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए तुर्की की 6 विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई हैं। तुर्की में 2023 में चुनाव होने वाले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि भारतीय तटरक्षक बल ने शुरुआत में 6 से कम नाव के साथ शुरुआत की थी। आज उनके पास 150 से अधिक जहाज, 66 विमान है, जिससे वो अब दुनिया के प्रमुख समुद्री बलों में से एक बन गया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय तटरक्षक बल द्वारा दिखाए गए मनोबल, उत्साह, ऊर्जा के कारण समुद्री बल का विकास संभव हो पाया है। सऊदी अरब ने यात्रा प्रतिबंधों का सामना करने वाले देशों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। इन देशों में भारत भी शामिल है। भारत के शिक्षा कर्मचारियों को अब सऊदी अरब में सीधे प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। सऊदी अरब ने ट्रैवल बैन में राहत देते हुए एजुकेशन स्टाफ के सीधे प्रवेश की घोषणा कर दी है। सीमा पार जारी तनाव के बीच पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास गतिरोध के बाकी स्थानों से सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए भारत और चीन के बीच उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता का अगला दौर कल यानी कि रविवार को होगा। माना जा रहा है कि भारत के लद्दाख कोर कमांडर और चीनी दक्षिण शिनजियांग सैन्य जिला कमांडर के बीच रविवार को चुशूल में यह बैठक होगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखीमपुर खीरी की घटना का जिक्र करते हुए प्रदेश की भाजपा सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि जिसने भी इस घटना का वीडियो देखा है उसने घटना की निंदा की है। जिस तरह से किसान को कुचला सरकार कानून को कुचल रही है, यह देश के संविधान को कुचलने वाला सरकार है। अमेरिकी रक्षा विभाग के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल एंटोन सेमिलरोथ के अनुसार मुख्य भारत अमेरिका रणनीतिक रक्षा समन्वय पैनल ने दोनों देशों के बीच सुरक्षा संबंधों के विस्तार के रूप में समान विचारधारा वाले भागीदारों के साथ भारत प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की है। बॉलीवुड अभिनेता विकी कौशल निर्देशक सुजीत सरकार के साथ द कपिल शर्मा शो में विशेष अतिथि के रूप में नजर आएंगे। निर्देशक अभिनेता की जोड़ी अपनी नई फिल्म सरदार उधम का प्रचार करने के लिए सेट पर आई थी, जिसमें विकी कौशल द्वारा निभाए गए किरदार के लिए कबीर इरफान खान को चुना गया था। शो में अभिनेता ने खुद को दिवंगत अभिनेता इरफान खान का प्रशंसक भी बताया। लखीमपुर खीरी मामले में मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा से क्राइम ब्रांच की पूछताछ जारी है। आशीष के लखीमपुर खीरी क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचते ही पंजाब कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी भूख हड़ताल को खत्म कर दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई की। अपनी मांग के समर्थन में अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया था। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने किशनगंज जाने के क्रम में कटिहार वो पहुंचे, जहां निवर्तमान MLC अशोक कुमार अग्रवाल के आवास पर उन्होंने कहा कि तेज प्रताप को राज्य से निकाला गया तो राज्य टूट जाएगा। तेज प्रताप को राज्य से बाहर निकालने की शक्ति किसी में नहीं है। बिहार में कोरोना टीकाकरण अभियान को गति देने के लिए 9 और 11 अक्टूबर को विशेष कोरोना टीकाकरण अभियान चलेगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी 38 जिलों को 2 तारीख में सुविधा अनुसार विशेष टीकाकरण अभियान चलाने का निर्देश जारी कर दिया है। सड़क दुर्घटना में घायल होने वालों को अस्पताल पहुंचाने पर नकद आर्थिक मदद देने में बिहार मॉडल को पूरे देश ने अपना लिया है। बिहार पहला राज्य है जिसने गुड सेमचरिन यानी कि अच्छे लोगों को नकदी देने का निर्णय लिया था।
में कोरोना वायरस के नए मामले 20,000 से नीचे आ गए हैं। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड 19 के 19,740 नए मामले सामने आए हैं। देश में अब तक कुल कोविड संक्रमितों की तादाद बढ़कर 3,39,00,000 से ज्यादा हो गई है। पिछले 24 घंटे में कुल 248 संक्रमितों की जान भी गई है। अब तक देश में जान गंवाने वालों की संख्या 4,50,000 पर पहुंच गई है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है खान सर यूपीएससी, पूजा महतो, अनिल कुमार, टुनटुन यादव, जितेंद्र ठाकुर, एमएलएक्स मुनमुन कुमार, ओमकार सिंह, आशा कुमारी, विपिन बिहारी, प्रमोद कुमार मंडल, सोनू कुमार, फुलदेव महतो, सनी कुमार, नवीन कुमार, नूरराज। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार भारत चीन के बीच उत्पन्न विवाद को कल की मीटिंग में सुलझाने में दोनों देश कामयाब हो पाएंगे या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।